सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से ऑनलाइन सत्संगों की श्रृंखला हम ले रहे हैं। ये जो सब सत्संग चल रहे हैं, इसमें जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये सारा ज्ञान हमें सनातन संस्था के जो संस्थापक हैं, परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत अठवले जी, इन्होंने अध्यात्म के ऊपर जो भी संशोधन किया है, अभ्यास किया है, उसी के कारण ही मिल रहा है। उनके मन में जो ये तड़प है, लगन है कि सभी लोगों तक हमारा जो हिंदू धर्म है, उसकी महानता है, वो पहुंचनी चाहिए और उसके कारण सभी जीव आदर्श आनंदी जीवन जी सके। और बच्चों, आप सभी भी इस बाल संस्कार वर्ग में जब भी हम जो भी बातें बताते हैं, वो आचरण में आप लाते हो, तो आपको भी उससे आनंद होता है ना। तो इसी तरीके से हम करते रहेंगे तो हमारा पूरा जीवन आदर्श आनंदी ऐसे बन सकता है। चलिए फिर अब आज का हमारा वर्ग हम आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्वरूप परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत अठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का हमारा बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब हम भगवान श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। बाल मित्रों, प्रार्थना से हमें भगवान की शक्ति मिलती है और हम जो भी कार्य करने वाले होते हैं, तो वो निर्विघ्नता से अच्छे से हो सकता है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पूर्व हमें प्रार्थना करनी चाहिए। चलो फिर अब अपने हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके और भगवान श्री गणेश जी का रूप आंखों के सामने लाकर हम ये प्रार्थना कहेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराय, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें बताने वाले हैं, वे सारे सूत्र हमारे समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें बुद्धि, शक्ति एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम भगवान श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। सभी बच्चे भी मेरे साथ ये श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बाल मित्रों, ये जो संस्कार वर्ग इतने दिनों से हम ले रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा बिना कैसे हो सकता है। और आप जैसे छोटे छोटे बच्चे भी इतना मन लगाकर ये पूरा संस्कार वर्ग देखते हैं, एक जगह से हिलते भी नहीं, ऐसे ही है ना। और आप सभी बच्चे ये सारे अनुभव, आपकी प्रतिक्रिया हमें लिखकर भी भेजते हो और उसी के कारण हमें ये पता चलता है। बच्चों के माता पिताओं से भी विनती है कि अपने बच्चे का अनुभव, प्रतिक्रिया लिखने के उपरांत बच्चे का नाम, जिले का नाम
तथा आपका संपर्क क्रमांक भी अवश्य लिखना। और बच्चों, आज रविवार है तो आज हमारा वर्ग सुबह 11:15 है ना, तो ऐसे ही अब प्रत्येक रविवार को हमारा वर्ग सुबह ही रहेगा। और सप्ताह के जो अन्य दिन है तो उस समय शाम को 6 बजे हमारा वर्ग रहेगा। तो ये सभी पूरा ध्यान में रखना। चलो फिर, अब सबसे पहले आज हमें कौन से अनुभव, कौन सी प्रतिक्रियाएं मिली है वो देखते हैं। तो आज पूजा सोलंकी ने लिखा है कि वो प्रतिदिन 10 बार स्व सूचना लेती है और उसने 2 दिनों से बाल संस्कार वर्ग नहीं सुना, इसलिए क्षमा याचना भी उसने की है। बाद में नयना हलन करने लिखा है कि वो प्रतिदिन नामजप लिखती है और 1 घंटा नामजप भी करती है। बहुत अच्छे, तो हमें ऐसे ही प्रयास करते रहना चाहिए। और स्वभाव दोष निर्मूलन सारणी और गुणन संवर्धन सारणी, ये भी सभी को ध्यान में है ना, वो कैसी लिखनी है, उसमें क्या क्या लिखना है, तो वो भी बातें हमें करती रहना है और उसका ब्योरा भी हम चैट बॉक्स में अवश्य देंगे। चलो फिर, अब आप सभी बच्चे जिसकी बहुत ही उत्सुकता से राह देखते हो वो है कहानी। तो आज भी हम बहुत ही अच्छी एक कहानी देखने वाले हैं, जिस कहानी से नामजप का कितना महत्व है वो हमारे समझ में आएगा। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान देके ये कहानी सुनना। और कहानी होने के उपरांत क्या होता है, तो हम आपको एक प्रश्न पूछते हैं और उसका योग्य उत्तर क्या है ये आपको 15 सेकंड में सोच के रखना है। इसे करने से क्या होता है, तो आपका कहानी में कितना ध्यान है ये आपको ही पता चलेगा और आपकी जो प्रतिभा है वो सुधरने का एक सुअवसर आप सभी बच्चों को मिलेगा। ठीक है ना। चलिए फिर, अब आज की हमारी कहानी आरंभ करते हैं। बाल मित्रों, आज हम नाम का आश्रय ये कथा देखने वाले हैं। बच्चों, आप सभी तो जानते हो कि हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में मथुरा में हुआ था। उस समय मथुरा और उसके आसपास के जो भी सारे गांव थे तो उन्हें ब्रजभूमि ऐसे कहते थे और भगवान श्री कृष्ण जी इसी ब्रजभूमि के वृंदावन में रहते थे। उनकी जो भी सारे बाल लीलाएं हुई थी तो वो इसी वृंदावन की भूमि में ही हुई है। उस समय और आज भी भगवान श्री कृष्ण जी को वृंदावन में मिश्री माखन का भोग चढ़ाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी वृंदावन में ही बड़े हुए। उस समय मथुरा में दूध, दही, माखन ये सभी चीजें दी जाती थी और ये सब जो ब्रज के अन्य गांव थे जैसे वृंदावन, गोकुल, महागांव, तो इन सभी गांवों में से ये दूध, दही और माखन लेकर गोपियां मथुरा में जाती थी। परंतु मथुरा और वृंदावन इनके बीच थी यमुना नदी, इसलिए मथुरा में जाने के लिए नाव का सहारा सभी को लेना पड़ता था। उस समय वृंदावन में दूध, दही इनकी नदियां बहती थी। इतना बहुत बड़े प्रमाण में दूध और दही मिलता था। तो ऐसे ही वृंदावन में एक गोपी थी, वो गोपी भी प्रतिदिन मथुरा में जाती थी और अपना जो अच्छा अच्छा मधुर दूध, दही, माखन ये सभी वो वहां पे लेकर आती थी और ये देने के लिए उसे भी यमुना नदी पार करनी पड़ती थी। और फिर जो नाविक था तो उसे उसका मूल्य भी उसे देना पड़ता था। परंतु ये प्रतिदिन का
उसका काम रहता था। एक दिन क्या हुआ तो मथुरा में यमुना नदी के तट पर एक संत आए हुए थे जो कथा पढ़ रहे थे। कथावाचक संत थे वो। तो बहुत सारे मथुरा के लोग और वृंदावन के भी बहुत सारे लोग ये कथा सुनने के लिए मथुरा में जाते थे। सभी लोग अपना देह भान भूलकर वहां पे भगवान की भक्ति में खो जाते थे। तो एक दिन अपनी ये जो गोपी थी वो भी दूध दही सब देने के उपरांत यमुना नदी के तट पर वो जो संत थे उनकी कथा सुनने के लिए वहां पे बैठ गई। उस समय उस दिन वो जो संत थे तो वो भगवान के नामजप का कितना महत्व है वो सभी को बता रहे थे। तो ये गोपी भी वहां पे बैठकर पूरा ध्यान देकर ये सारी बातें सुनने लगी। वो संत अपनी कथा में कहने लगे कि इस पूरे संसार में नामजप का बहुत ही महत्व है। नामस्मरण करने से हमें भगवान का सहाय मिलता है। हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। और अगर हमें ये जो भव सागर है ये पार कराना है तो हमें नामजप का ही आधार लेना पड़ेगा। यदि हम नामजप करेंगे तो ही केवल हम ये भव सागर पार कर सकते हैं। नामजप में बहुत ही शक्ति है। उससे बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। और आगे ये संत कहने लगे, आप सभी को ये कहावत भी पता होगी, राम से बड़ा राम का नाम। तो इस वचन से ही राम नाम का यानी किसी भी नामस्मरण का कितना महत्व है ये आपके ध्यान में आएगा। उसके उपरांत उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी का भी एक वचन बताया, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो इन दोनों वचनों से नाम की कितना महत्व है, नामजप का कितना महात्म्य है यह आप सभी के ध्यान में आया होगा। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो संसार के अन्य कोई भी वस्तु में बिल्कुल नहीं है। इसलिए यदि आपको भव सागर पार करना है तो नामजप को बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो ऐसा ये सुश्राव्य कथन सुनने के उपरांत सभी गोप गोपी अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन फिर से वो जो गोपी थी तो वो दूध दही बेचने के लिए मथुरा में जाने के लिए निकली। बीच में यमुना नदी आ गई। तो फिर उसे कल संत ने जो भी बातें बताई थी उसका स्मरण हुआ। वो मन ही मन सोचने लगी, हमें कल संतों ने, वो जो महात्मा थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी सीख सिखाई है। यदि भगवान का नाम लेकर इतना बड़ा भव सागर हम पार कर सकते हैं, तो ये सर्वसाधारण यमुना जी तो हम आराम से पार कर सकते हैं। संतों ने जो भी नामजप का महिमा बताया था तो उस नाम पर उस गोपी की पूरी श्रद्धा थी, अटूट श्रद्धा थी। और फिर वो यमुना नदी की ओर बढ़ गई और उसने पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करने के उपरांत नामजप मन में करते करते हुए उसने अपना पहला चरण यमुना नदी के पानी पर रखा और मानो उसे ऐसे लगा कि उसने भूमि पर ही पैर रखा है। उसे बहुत आनंद हुआ और फिर एक एक पग आगे करते करते हुए वो यमुना नदी के पानी के ऊपर से चलते चलते हुए मथुरा में पहुंच गए। आने के उपरांत उसने कृतज्ञता व्यक्त की। उसे बहुत ही आनंद हुआ कि
संतों ने मुझे बहुत ही अच्छी सीख सिखाई है, जिसके कारण अब प्रतिदिन मुझे वो जो नाविक है उसे मूल्य भी नहीं देना पड़ेगा और मेरा नाम जप भी अच्छे से हो जाएगा। वो बहुत ही आनंदित हो चुकी थी। और फिर क्या, प्रतिदिन वो ऐसे ही यमुना नदी के पानी पर चलते चलते वृंदावन जाती थी और वृंदावन से वापस मथुरा आती थी। यही उसका दिनक्रम अब हो चुका था। फिर एक दिन उसके मन में विचार आया, वो जो महात्मा थे उन्होंने मेरा इतना भला किया है कि उन्होंने जो नाम जप बताया उसी के कारण मैं प्रतिदिन ऐसे यमुना नदी के पानी पर चलकर आती हूँ, तो मुझे उनका आभार व्यक्त करना पड़ेगा। क्यों ना मैं उन्हें अपने घर भोजन के लिए बुलाऊं। तो फिर वो फिर से महात्मा जी के पास जाती है और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती है। वो महात्मा जी वो संत भी तैयार होते हैं। फिर वो गोपी और वो संत दोनों भी वृंदावन जाने के लिए आते हैं। बीच में फिर से यमुना जी आती है। तो फिर वो संत नाव ढूंढने लगते हैं, नाविक को देखने लगते हैं यहाँ वहां। फिर वो गोपी कहती है, महात्मा जी आप नाव क्यों ढूंढ रहे हो, हम ऐसे ही इस यमुना नदी के पानी पर चलते चलते जाएंगे। वो जो संत थे उन्हें कुछ पता नहीं चला, उन्हें आश्चर्य लगा और वो कहने लगे, गोपी तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, अगर हम यमुना नदी के पानी पर पैर रखेंगे तो हम तो पानी में डूब जाएंगे, ये कैसे संभव है। उसके ऊपर गोपी कहने लगी, महात्मा जी आपने ही तो आपके कथा में बताया था कि यदि भव सागर हमें पार करना है तो नाम ही एकमेव आधार है, और फिर ये तो सर्वसाधारण नदी है, हम अगर नाम जप करते हुए इस नदी के ऊपर से चलेंगे तो ये नदी भी हम आसानी से पार कर सकते हैं। और आपने जब से बताया है उसी दिन से मैं प्रतिदिन यमुना नदी के पानी के ऊपर चलते चलते ही यहाँ पे आती हूँ, तो आपके लिए भी ये संभव ही है, चलिए हम दोनों ऐसे ही जाते हैं। ये सभी बातें सुनने के उपरांत महात्मा जी को अभी भी उस पर विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा, गोपी तुम एक काम करना, तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे पीछे आता ही हूँ। और फिर वो देखने लगे गोपी क्या करती है। तो गोपी ने पूरी श्रद्धा से यमुना नदी के पानी पर पैर रखा और वो आसानी से जैसे भूमि पर ही वो चल रही है ऐसे करते करते वो पहुंच भी गई। अब यहाँ पे संतों की बारी थी। तो फिर वो जो महात्मा थे उन्होंने अपना एक ही पैर यमुना नदी के पानी पर रखा और वो झपाक करके नदी में गिर गए। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि ये एक सर्वसाधारण भोली भाली गोपी है और वो ये कैसे कर पाई। यहाँ पे जब गोपी के ध्यान में आया कि महात्मा जी तो आ ही नहीं रहे, वो गिर पड़े हैं, तो वो वापस आती है, वो महात्मा जी का हाथ थाम लेती है और उन्हें पकड़कर कहती है, चलिए हम दोनों मिलकर एक साथ ये नदी पार करते हैं। और फिर दोनों भी नाम जप करते हुए धीरे धीरे करके यमुना नदी पार करते हैं और वृंदावन पहुंच जाते हैं। वृंदावन के तट पर पहुंच जाने के उपरांत सबसे पहले वो संत महात्मा गोपी के चरणों में गिर जाते हैं और वो कहते हैं, गोपी तुम सच में बहुत ही धन्य हो, मैंने केवल अपनी कथा में नाम जप का कितना महत्व है वो बताया, परंतु तुमने वो आचरण में लाया। नाम जप का ये जो सारा महत्व है
नामजप का कैसे आश्रय लेना चाहिए, ये मैंने आचरण में अपने कृति में लाया ही नहीं, परंतु तुमने ही अत्यंत भक्ति भाव से इस नामजप का आश्रय लिया और उसी के कारण तुम ये यमुना नदी पार कर सकी। तो बच्चों, इस कथा से आपके ध्यान में आया ना, जैसे उस गोपी की संतों ने जो नामजप बताया था उसके ऊपर पूरी श्रद्धा थी और उसी के कारण वो यमुना नदी पार कर सकी, वैसे ही हम भी अपने नामजप पर पूरी श्रद्धा रखेंगे और ये भवसागर पार करेंगे, चलेगा ना? चलो फिर, अब आज का प्रश्न क्या है ये हम देखते हैं। किसके आधार से गोपी यमुना नदी को पार कर गई? और इसके पर्याय है, एक भजन, दो नामजप और तीन सत्संग। सभी को योग्य उत्तर पता चला है ना? तो नामजप के आधार से गोपी यमुना नदी को पार कर गई। चलो फिर बच्चों, जैसे आज हमने कहानी में देखा कि जो भी नामजप हम करेंगे उसके ऊपर हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, तो आज भी हम ऐसे ही श्रद्धा युक्त अंतःकरण से नामस्मरण करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें कितना आनंद मिलता है नामजप करने से, ठीक है ना? चलो फिर, अब अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करेंगे, भगवान श्री गणेश जी का रूप आंखों के सामने लाएंगे और पूरी एकाग्रता से ये नामजप करेंगे। चलो अब नामस्मरण आरंभ करते हैं। ॐ गं गणपतये नमः। 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 ॐ गं गणपतये नमः।
ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करते समय आपको कैसे लगा, ये आप अवश्य चैट बॉक्स में लिखना। उसके कारण अन्य बच्चे भी उसे सीख सकते हैं और आपकी भी भगवान के चरणों प्रति कृतज्ञता व्यक्त होगी। चलिए अब आज की आदर्श कृति क्या है ये हम देखने वाले हैं। जैसे कल के वर्ग में हमने देखा था कि अब हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जो अच्छे अच्छे गुण हैं, उनका अभ्यास करने वाले हैं। तो आज हम ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज का एक जो गुण है वो देखने वाले हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंग्रेजों को कैसे सबक सिखाया ये देखने वाले हैं। तो बाल मित्रों, अंतरराष्ट्रीय मंडी में दी गई वस्तुओं की जो सूची रहती है तो उसमें नारी अलों के प्रकार की भी सूची होती है और उसमें राजापुरी खोपड़े इस विशेष नाम से नारियल का एक प्रकार रहता था। और बाल मित्रों, उस समय यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में राजापुर में अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा गोदाम था। तो उस समय अंग्रेजों ने क्या किया, तो राजापुर के जो सारे व्यापारी थे उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया, उनको ढेर सारा धन दिया, रिश्वत दी और फिर जो गरीब किसान थे उनसे बहुत ही अल्प मूल्य देकर ये खोपड़े उन्होंने खरीद लिए। और ये जो सारे किसान थे वो तो बहुत ही गरीब थे, उन्हें कोई तो अन्य मंडी में जाके अपना जो उत्पादन है वो बेचने जितके भी आर्थिक क्षमता उनकी नहीं थी। और उस समय तो वाहतूक के, वाहन के ऐसी कुछ सुविधाएं भी नहीं थी, इसलिए उन्हें उसी अल्प मूल्य में ये सारे जो उनके खोपड़े थे वो बेचने पड़ते थे। ऐसे थोड़े दिन गए परंतु इसके कारण किसानों की बहुत ही बड़ी हानि हो रही थी। तो फिर सभी किसानों ने मिलकर अपने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक पत्र लिखा और उनके साथ क्या क्या हो रहा था वो सभी बातें उन्होंने उसमें लिखी। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब ये
पत्र प्राप्त हुआ। तब उन्होंने वो पूरे ध्यान से पढ़ा और फिर तुरंत उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अंग्रेजों से हम जो भी वस्तु लेते थे तो उन पर 200% आयात शुल्क लगाया। अब ये आयात शुल्क क्या है ऐसे आपको लगेगा, तो आयात करना इसका अर्थ दूसरे राज्य से या दूसरे देश से हम जो भी वस्तु लेते हैं उन्हें कहते हैं आयात। और ये वस्तु लेते समय उस पर जो शुल्क लगाते हैं, मूल्य लगाते हैं, तो उसे कहते हैं आयात शुल्क। तो जब महाराज ने इतना आयात शुल्क बढ़ाया उसके कारण अंग्रेजों की जो भी वस्तुएं थी उसका मूल्य बहुत ही बढ़ गया, फिर कोई उसे खरीद नहीं पा सकता था और फिर उनके उत्पादनों की जो बिक्री थी वो कम हो चुकी थी, उनको बहुत नुकसान हो रहा था। थोड़े दिन अंग्रेजों ने देखा परंतु फिर उन्हें पता चला कि ये जो आयात शुल्क इतना बढ़ाया है इसके कारण कोई भी हमारी वस्तुएं ले ही नहीं रहा और हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। तो फिर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से विनती की, उन्हें जाना ही पड़ा महाराज के पास। और फिर उन्होंने कहा कि महाराज कृपया करके ये जो दंड शुल्क आपने लगाया है वो थोड़ा कम करिए। ऐसे कहने पर फिर हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्होंने क्या उत्तर दिया होगा, उन्होंने कहा आपके वस्तुओं पर जो शुल्क मैंने लगाया है वो मैं कम कर सकता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है, वो शर्त आप अगर पूरी करोगे तभी मैं आपका ये शुल्क कम कर सकता हूँ। और वो शर्त ये है कि मेरे राजापुर के जो किसान हैं, उन्हें आपके कारण जो भी हानि भुगतनी पड़ी तो उस पूरी हानि का आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। और जब वो जो किसान है वो स्वयं से आकर मुझे कहेंगे कि उन्हें सारी हानि का मूल्य मिल चुका है, वो संतुष्ट है, तभी और तभी मैं आपका ये जो आयात शुल्क है तो ये कम कर पाऊंगा। अंग्रेजों ने उनकी ये सारी बातें सुनी और उनके सामने दूसरा कोई पर्याय था भी नहीं, तो उन्होंने फिर से राजापुर के सारे व्यापारियों को बुलाया और फिर वहां के जो भी किसान थे उन्हें अच्छे मूल्य से या जो भी योग्य मूल्य था उसी हिसाब से अब वो उनसे वो जो नारियल का जो प्रकार था तो वो खरीदने लगे। और उसके साथ ही उनकी जो भी पहले वाली हानि थी उसका भी पूरा मूल्य वो किसानों को देने लगे। ऐसे होने के उपरांत फिर किसानों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को ये बात बताई कि उन्हें उनकी जो हानि हुई थी उसका मूल्य, उसकी पूर्ति अब हो रही है और वो अब संतुष्ट है। ये बात जब छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चली तभी जाकर उन्होंने वो जो आयात शुल्क था वो कम किया। तो बच्चों ध्यान में आया ना, तो अंग्रेज जो थे वो धूर्त नहीं थे, तो उससे भी बहुत अधिक हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज धूर्त थे। तो बाल मित्रों इससे आपको पता चला ना कि अंग्रेजों को हमारे महाराज ने कैसे सबक सिखाया। इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने देवी देवताओं की, देवालयों की रक्षा का कार्य भी किया है। इसके बारे में कवि भूषण बहुत ही अच्छे से बताते हैं। वो क्या कहते हैं वो अब हम देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पवित्र वेदों का रक्षण किया, पुराणों की रक्षा की, जिह्वा द्वारा लिए जाने वाले राम नाम की रक्षा की, ब्राह्मणों की जो चोटी होती है उस चोटी की भी उन्होंने रक्षा की, सिपाहियों की रोटी बचाई,
हिंदुओं के यज्ञोपवीत की रक्षा की तथा उनके गले के माला की भी उन्होंने रक्षा की। मुगलों को मसल दिया, मुगल साम्राज्य को नष्ट किया, शत्रुओं को कुचल दिया। उनके हाथ में वरदान था, अपने हाथ की तलवार से उन्होंने राज धर्म का पालन किया, राज मर्यादा का उन्होंने रक्षण किया। उन्होंने देवी देवता एवं देवालयों की रक्षा की, स्वराज्य में स्वधर्म की रक्षा भी उन्होंने ही की। उन्मत्त रावण के लिए जैसे प्रभु श्री रामचंद्र, क्रूर कंस के लिए जैसे भगवान श्री कृष्ण, वैसे ही मुगलों के लिए हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ही एकमेव थे। इस शब्द में कवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी महाराज का गौरव किया था। तो बाल मित्रों, ऐसे अनगिनत जो गुण है वो हमारे महाराज में है। तो अब आप सभी बच्चे प्रतिदिन ये सभी गुण सीखेंगे ना, और उन्हें आचरण में लाने का भी हम सभी बच्चे अवश्य प्रयास करेंगे। बच्चों, हमने आपको सनातन प्रभा पढ़ने के लिए कहा था। आप में से बहुत से बच्चों ने सनातन प्रभा का ऐप भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, और बहुत से बच्चे तो प्रतिदिन सनातन प्रभा पढ़ते भी है। सनातन प्रभा यही एकमेव ऐसा नियतकालिक है कि जो केवल समाचार देने तक ही सीमित नहीं है, अपितु आज समाज और राष्ट्र की, धर्म की जो भी स्थिति है उसके बारे में समाज को योग्य दिशा देने का अमूल्य कार्य सनातन प्रभात करता है। उसके साथ ही धर्माचरण करना, इसका अर्थ क्या है, धर्म के अनुसार हम कृति कैसे कर सकते हैं, धर्म पर जब आघात होते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी बहुत ही अच्छे अच्छे दृष्टिकोण सनातन प्रभात में प्रकाशित होते हैं। और उसके साथ ही साधना की दृष्टि से संतों के लेख, साधकों ने साधना करने के उपरांत उन्हें जो भी अनुभूतियां आती है तो वो भी उसमें आती है। तो ये सारे अच्छे लेख जब हम पढ़ते हैं तब हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो अभी जो बच्चे सनातन प्रभात पढ़ रहे हैं तो वो, उन्हें क्या अच्छा लगता है पढ़कर, तो ये सारी बातें लिख कर रख सकते हैं। और आपके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं या आपके मित्र सहेलियां हैं उन्हें आप ये सारी बातें बता सकते हो। और उसके साथ ही अपने मित्रों को, सहेलियों को आप दैनिक सनातन प्रभात का या फिर हिंदी पाक्षिक सनातन प्रभात का सदस्य बनने के लिए अवश्य बोल सकते हैं। ऐसे करने से उन्हें भी ये सारी अच्छी अच्छी बातें पता चलेगी और आपकी ये बहुत ही अच्छी समष्टि सेवा की कृति हो सकती है। ठीक है ना, तो सभी बच्चे अवश्य ऐसा प्रयास करना। चलो फिर अब आगे की ओर जाते हैं। अब हम संस्कार वर्ग में स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास सभी स्तोत्र होते हैं ऐसी पुस्तिका हो तो वो पास में लेकर बैठेंगे और उसे देखकर हमारे साथ आप ये स्तोत्र कह सकते हो। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़कर एकदम स्थिरता से बैठेंगे और ये स्तोत्र कहेंगे। चलो फिर अब हम स्तोत्र आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच, प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये, प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च
सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनो गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। बच्चों, ये स्तोत्र कहने के उपरांत आपको अच्छा लगता है ना, तो आप घर पर भी ये सारे स्तोत्र जो आपको आते हैं वो अवश्य कहते रहना। और अब तो सनातन संस्था लेकर आई है सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें जो भी श्लोक स्तोत्र है तो वो एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये जो ऐप है ये मराठी भाषा में है, परंतु जो भी सारे श्लोक और स्तोत्र संस्कृत में है वो तो आप अवश्य पढ़ सकते हो। और इसकी विशेषता ये है कि ये सभी स्तोत्र श्लोक शास्त्र शुद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं, तो सभी इसका अवश्य लाभ लेना। चलो फिर बच्चों, आज का पूरा संस्कार वर्ग सभी ने ध्यान देके सुना है ना, तो आज हमें कितनी अच्छी अच्छी जानकारी इस वर्ग में मिली। तो ये सभी केवल भगवान ने ही हमें दिया है, इसलिए हम अब भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। सभी अपने हाथ जोड़कर ही कृतज्ञता कहेंगे। हे भगवान, केवल आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बाल मित्रों, ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य हमें बताना। इसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तलपट्टी जा रही है वहाँ हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, आप हमें भी अवश्य संपर्क करना। और उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज देना। इस वेबसाइट पे भी आपको बहुत सारी और भी जानकारी मिल सकती है। चलो फिर, अब आज जैसे हमने कहानी सुनी वैसी ही और एक कहानी सुनने के लिए कल भी सभी बच्चे जुड़ेंगे ना। आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकने वाले हैं। कल फिर से एक नए विषय के साथ शाम को ठीक 6 बजे हम पुनः मिलेंगे। नमस्कार।